कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों ने आज एक दिन का भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देश भर समेत बिहार में भी देखने को मिला। अगर हम पटना की बात करें तो कई बड़े चौराहे पर भी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सपोर्टर्स और आम जनता भी सड़क पर उतर कर उग्र रूप से आंदोलन करते हुए नजर आई। लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये भारत बंद पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। यहाँ तक कि सुशील कुमार मोदी यानी कि एक्स डिप्टी सीएम ने यह भी कह दिया कि सड़क पर तो एक भी किसान थे ही नहीं। तो वहीं अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने तारकिशोर प्रसाद ने ये तक कह दिया कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से ऐलान कर रहे थे कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वो कहीं ना कहीं टाएं टाएं फिश हो गया। सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव को दिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, वो मेरे साथ राज्यसभा क्यों नहीं चलते। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार किसानों के साथ होने के लिए ट्वीट करके समर्थन दे रहे थे, तो वहीं उन्होंने 5 तारीख को कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। लेकिन आज पूरे प्रदर्शन के दौरान, पूरे आंदोलन के दौरान तेजस्वी यादव जो है वो अनुपस्थित रहे और ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में है इस वक्त, जिसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनके ऊपर तंज कसा है, उनके ऊपर कटाक्ष किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद। और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से हुंकार भरी थी इस बंद में, हम साथ रहेंगे, हम किसानों के मुद्दे पर सड़क पर आएंगे, ये कहीं नहीं दिखा। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल के का कृषि के प्रति, किसानों के प्रति जो सोच है वो साफ तौर पर दिखती है। और आपको पता ही है वो किसानों के कितने शुभचिंतक हैं कि किसानों की ज़मीन को लगातार रजिस्ट्री कराते रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो किसान के हित में, उनके पास एकमात्र एजेंडा है कि जब ऐसा अवसर आया तो वो किसानों के ज़मीन को लिखवाने का काम करते रहे। इसलिए बिहार के गरीब आवाम के लिए, बिहार के किसानों के लिए जो हमारा प्रतिपक्ष है उसके पास कोई स्पष्ट नज़रिया भी नहीं है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कृषि से संबंधित जो 3 बिलों को लाया है वो स्पष्ट तौर पर किसानों के हित में है। और आप देख रहे होंगे कि पंजाब और उसके अगल बगल के राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी किसान न सड़क पर उतरे हैं, न किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया कहीं व्यक्त की है। ये सिर्फ एक राजनीतिक का हथकंडा है और इससे हमारी सरकार पीछे डिगने वाली नहीं है। जनहित में, सरकार के हित में, भारत और बिहार के आवाम के हित में हम सब लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी काम करेंगे और भारत और बिहार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। कि सफल रहा उनका। अब देखिए, आपके भी कैमरे तो सड़कों पर घूम रहे हैं, आपके कैमरे भी तो तेजस्वी को कहीं खोज रहे हैं। अगर वो मिल गए तो वो सफल है, अगर नहीं मिले सुबह से लेकर शाम तक तो आप समझ सकते हैं इस तरह के जो बयानबाज लोग हैं, उनका क्या नज़रिया है इस तरह के आंदोलन के प्रति, आप समझ सकते हैं। अरे भाई, किसान कहाँ है, यहाँ किसान को कोई तकलीफ नहीं है उससे, और हमारे जो है नेता को तकलीफ है, किसान को नहीं। किसान तो खुश है इस बिल से, क्योंकि किसान जब आज़ाद हुआ, आप देखे होंगे माननीय सुशील मोदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी जो कहा है समापन समारोह में कि हर समय जो हम हटाएं उसको, MSC हमारे यहाँ 6 में हट गया और हटने के बाद हमने तरक्की की है और हमारा कोई आज किसान नहीं है। चाहे उनके भी जो राज्य है कि जो कृषि राज्य है वहाँ कोई किसान नहीं है, सिर्फ नेता की बात है। जो बिचौलिया नहीं मिलता है इसलिए बौखलाए हुए हैं, किसानों को फायदा है, हमारे किसान हमारे साथ हैं। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण ने विस्तार से सारी बातों को रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ खासियत है, हम यहाँ पद नहीं बोलते, हम कहते हैं कि आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है। तो सरकार में पद होता है, अन्य दलों में पद होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो जो माननीय मंत्रीगण बैठे हैं वो केवल कोई पद धारक नहीं है, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली, एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है।
और देखिए फर्क यही, अगर आप अगर उसको जिम्मेवारी के रूप में, दायित्व के रूप में अगर आप विचार करेंगे तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। दूसरा मित्रों, हम लोग राजनीति में किस लिए आए हैं? पैसा कमाने नहीं आए हैं, वाहवाही के लिए नहीं आए हैं। राजनीति भी सेवा का माध्यम है, मान यही एकमात्र सेवा का माध्यम नहीं है, लेकिन राजनीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का माध्यम माना है। अगर आप मंत्री पद को, विधायक के पद को, की जगह को, दायित्व को अगर इस भाव से लें कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, और किनकी सेवा करने आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते गरीबों की सेवा करने के लिए। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। अरे बाकी लोगों के लिए तो हर कोई काम कर सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए काम, इसलिए बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार, ये सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के लिए सरकार है, और गरीबों की सेवा करने का जो काम है वो हमारे सारे मंत्रीगण करेंगे। मित्रों, कैसा भारत बंद और कैसा किसानों के हित का भारत बंद, एक भी किसान बिहार की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। कहीं कोई किसान, वो दिन जो राजद का धरना भी था, कोई किसान दिखाई पड़ा? अरे पॉलिटिकल वर्कर तो कहीं दिखाई पड़ सकते हैं, अगर हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में 1,00,000 किसानों को इकट्ठा करके दिखलाओ, तब समझेंगे कि किसानों का समर्थन तुम्हारे साथ। और मित्रों, पूरे कहा जा रहा है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन, पंजाब छोड़कर, दिल्ली की सीमा पर बगल के राज्यों को छोड़कर कहीं कोई किसान दिखाई पड़ रहा है? अगर पंजाब का किसान दुखी तो बिहार का किसान क्यों नहीं है? बिहार का किसान सड़कों पर क्यों नहीं आया? यूपी का क्यों नहीं आया? इसमें नहीं कि केवल हमारी सरकार है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कभी पढ़ा अखबार में आपने कि 500 किसानों का भी धरना हुआ है? और सबसे आश्चर्य की बात कि अभी मैं पूछ रहा था मंगल जी और तारकिशोर जी से कि नेता प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ, मेरी उत्सुकता थी जानने की, मैं टीवी नहीं देख पाया, तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का, बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े, जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते हैं। यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी 5 दिन शिमला में, हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका, उनको बिहार में मन नहीं लगता, अभी राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा। जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज़्यादा बच्चे मरे तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। तो मैं तो ईश्वर से बनाता हूँ कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष हम लोगों को मिले, ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा कर सकते। कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र 2019 में, 9 गलत कह गया, 2019 के कांग्रेस पार्टी का जो अंग्रेजी में घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने कहा था कि हम APMC एक्ट को निरस्त करने का काम करेंगे। तो आपने तो कहा था, आपके 1.5 साल पहले आपके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है, और ये कहा 2010-11 में हम मॉडल APMC एक्ट को लागू करेंगे। और जब शरद पवार जी केंद्र की UPA सरकार में कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मंडी सुधार नहीं करेंगे तो राज्यों को वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। तो जो आपने घोषणा की, जो आप करना चाहते थे, आप पूरी तरह से नहीं कर पाए, आज अगर उसी काम को नरेंद्र मोदी और करना चाह रहे हैं तो आपके इसलिए विरोध करें चूंकि आप चुनाव में पराजित हो गए। मित्रों, मैं हाथ जोड़कर पंजाब के किसानों से आग्रह करना चाहूँगा, देश का किसान आपके साथ नहीं है, बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का किसान पंजाब के किसानों के साथ नहीं है। अरे हमने तो किसानों को मुक्त कर दिया, अब जहाँ चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं, जहाँ पहले था कि केवल बाजार समिति में ही आप बेच सकते हैं, मंडी में ही बेच सकते हैं, अगर हमने किसानों को मुक्त कर दिया तो जिस तरह से नरसिंहा राव ने 1991 में आर्थिक सुधार लागू करके और देश की व्यवस्था को बदल दिया, तो नरेंद्र मोदी ने उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में
जो व्यापक सुधार किया है, ये सुधार जारी रहेगा और नरेंद्र मोदी को कोई झुका नहीं सकेगा। और इसलिए और वो लोग जो हर मौके पर लापता हो जाते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को छू भी नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर से सुशील कुमार मोदी का यही कहना है कि ये भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल की सक्रियता ज्यादा है और किसानों की कम, यानी कि इस आंदोलन में किसानों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये कह गए सुशील कुमार मोदी। बहरहाल, इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।